पापा, I'm sorry पापा, मैंने आपको बहुत गलत समझा, I'm really sorry, मुझे माफ कर दीजिए पापा, अब मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती। घबराओ मत बेटी, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। थैंक यू पापा, थैंक यू। बेटी इसी दिन का तो 25 सालों से इंतजार कर रहा था मैं। पापा, वो प्रसाद अंकल आपको ढूंढ रहे थे। मिला था मुझे, मैंने उसे किसी काम से भेजा है। आओ बेटा, मैंने सुना तुम अमेरिका जा रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं बेटा? ये भी पूछने वाली बात है, आप अब मेरे साथ ही रहेंगे, मैं जहाँ चलूंगी वहाँ चलेंगे। क्यों शिवाजी, मुझे बुलवाया था अपना जुर्म कबूल करने के लिए? 25 साल पहले परिवार को बचाने के लिए रास्ता चुना, जैसे ही बेटी मिली सोचा सारे बुरे काम छोड़कर उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन उस गायत्री मेहता से मेरी बेटी और आश्रम के बच्चों को बचाने के लिए ये रूप लेना पड़ा। जिस बेटी और अनाथ बच्चों को बचाने के लिए आप यहाँ जेल में सड़ रहे हैं, उनके पास गायत्री मेहता आपका रूप लेकर गया है। आपके दोस्त प्रसाद और शेखर दोनों को मार दिया। अब आपका बचना मुश्किल है शिवाजी। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी श्रेष्ठा? ओह माय गॉड, अरे ये क्या कर रही हो? मुंह तक निवाला लाकर उसे छीन रही हो? कहानी में इंटरेस्ट आने ही वाला था कि रोक दिया, उसके आगे बताओ ना क्या हुआ। मैं बस इतना ही जानती हूँ सर। क्या कहा, इतना ही जानती हो? क्या आप मेरी मदद करेंगे? मदद करेंगे, क्यों नहीं करूँगा, चाहो तो पूरी ऑफिस की मदद ले लो, लेकिन बताओ तो शिवाजी ने तुम्हें क्या कहा? तुम डेंजर जोन में कदम रखने वाली हो, अपना ध्यान रखना। मैं शिवाजी बनकर आया हूं क्या? ये बात प्रेस को पता चल गई? मेरी बेटी की जान खतरे में है, जर्नलिस्ट के भेस में खूनी भी आ सकते हैं, अगर आपको इंटरव्यू चाहिए तो कोई एक आ जाए। शिवाजी, आप एक महान स्टेज आर्टिस्ट हैं, आपकी बेटी एक बहुत बहादुर लड़की है, गायत्री मेहता जैसे क्रिमिनल को सजा दिलवाने में आपने बहुत मदद की है। कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। थैंक यू। ये जो बैठे हैं तुम्हारे पिता नहीं गायत्री मेहता है, तुम्हारे पापा को झांसा देकर जेल में भेजा गया है, मेरे आदमी बाहर खड़े हैं, अगर तुम भाग गए तुम अपने पापा को बचा सकती हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे अंकल प्रसाद को भी इसने मार दिया, अगर शक हो तो जो तुम्हारे सामने बुक है उसे देख लो। हिम्मत कैसे हुई? यही मेरे असली पापा है, समझी? देखिए ना पापा, ये कह रहे हैं आप शिवाजी नहीं गायत्री मेहता है। मीडिया वाले जो भी दिखाते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं, इसीलिए आपको गायत्री मेहता बताकर फंसाना चाहते हैं ताकि उसकी जगह आपको जेल हो जाए। पापा जाओ, अपने गायत्री मेहता से कह दो हम इतने बेवकूफ नहीं है। जर्नलिस्ट श्रेष्ठा, श्रेष्ठा 25 साल, 25 साल बाद मैं अपनी बेटी से मिला हूं, इसके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए हम अमेरिका जाने वाले हैं, इस वक्त हमें परेशान करके हमारी यात्रा में अड़चन ना डालें। प्लीज
आखिर मीडिया के जरिए अपनी बेटी को बचाने का अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। आखिरी बॉल भी मिस हो गई। फांसी से पहले अपनी ख्वाहिश मांग लो। श्यामलाल, आखिरी इच्छा पूछ लो इससे। हेलो, इच्छा बता दो। अब्दुल की बिरयानी खाओगे, देश पांडे का झोड़खा बाकर, या गुप्ता चना भंडार से पानी पूरी मंगाओ? मला सांगा हो, बस एक इंच फोन में जेल डिलीवरी हो जाएगा। एक एसएमएस भेजना है। ये ज्योति, इसको मैसेज करना है। आखिरी ख्वाहिश है ना, दे देता हूँ। ये लो, सरकारी मोबाइल है, तुम भी फायदा उठा लो। श्यामलाल, ये क्या कर रहे हो तुम? एसएमएस करने साथी फोन दे दिया है साहब। स्टूपिड, पैसा नहीं कटेगा, एकदम फ्री है। चलो, ए फोन इधर दे। श्रेष्ठा, स्टेज एक्टर शिवाजी का नाटक देखने की मेरी आखिरी ख्वाहिश है। शिवाजी नाम के स्टेज एक्टर का नाटक देखने की अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई है गायत्री मेहता ने। कोशिश करने का दावा किया है अधिकारियों ने। यार, इसकी आखिरी ख्वाहिश तो बड़ी अजीब है। उसने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है, तो इंसानियत के नाते शिवाजी को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी ही चाहिए। शिवाजी गायत्री मेहता की आखिरी इच्छा पूरी करेगा तो ही महान कलाकार कहलाएगा। आपकी नाती जब गुम हो गई थी तब उसे शिवाजी ने ही बचाया था पापा, वो बहुत अच्छे इंसान है। अपनी आखिरी इच्छा शिवाजी का नाटक देखने की चाहत रखने वाले गायत्री मेहता को सोशल मीडिया से सपोर्ट मिल रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए शिवाजी को लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वकील, मेरे प्लेस में उसे रिप्लेस कर दिया। मुझे उसकी जगह लाने के लिए शिवाजी का नाटक मेरी समझ में आ गया है। आज ही अमेरिका का टिकट बुक कर। राजा, तुम सुपर हो। गायत्री मेहता हमें शांति से जीने भी नहीं देगा पापा। चलिए हम अमेरिका चलते हैं। ठीक है बेटा। प्रसाद के आने तक बच्चों का ध्यान रखना। हो साहेब। तुम कार में बैठो बेटा। बाय। मुजरिम चाहे जितना भी क्रूर हो, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना इंसान का धर्म है। फिर भी उनकी ख्वाहिश बिना पूरी किए विदेश जाने वाले हैं शिवाजी। गायत्री मेहता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, पूरी करो। गायत्री मेहता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, पूरी करो। बिना उनकी ख्वाहिश पूरी किए कैसे जा सकते हैं सर, जवाब दीजिए। सर, हमें कोर्ट से परमिशन मिल गई है, आप वहाँ जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मेरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। आप चलिए पापा। साहब, गायत्री मेहता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके साबित कर दीजिए कि आप अभिनेता के साथ अच्छे इंसान भी हैं। ए शिवाजी, बचपन में जब पूछते थे कि तुम्हें खाना चाहिए या मेकअप, तो तू हमेशा कहता था कि तुझे मेकअप ही चाहिए। और आज जब यहाँ एक इंसान की जान जा रही है जो तेरा नाटक देखना चाहता है, ऐसे में तू अमेरिका भाग रहा है? एक चीज तो पक्की है, तू हमारा शिवाजी नहीं हो सकता। पापा, अगर आपने इन सब की इच्छा पूरी नहीं की तो आप इनकी नजरों में बुरे हो जाएंगे पापा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज पापा, एक आखिरी बार। मेहता साहब, मुझ पर आप पूरा भरोसा रखिए, डरने की कोई बात नहीं, मिलकर शिवाजी का कल्याण करते हैं। अब लग रहा है कि ये हमारा ही शिवाजी है। पापा, पापा।
व्हाट अ परफॉर्मेंस। अभिनेता की बेटी हो ना, सेम डीएनए, वंडरफुल। श्रेष्ठा, बच्चों पर कोई खतरा नहीं आए इसलिए मैंने रूडली बिहेव किया, सॉरी। माना कि तुम बाप बेटी का कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, लेकिन बचोगे कैसे? ज्योति, सास बहू से भी बड़ा ड्रामा चल रहा है। ये जेल मेरा गेस्ट हाउस है और जेलर मेरा वॉचमैन। मेरे पास पावर है, मैन पावर है और मनी पावर है। हर मिनिस्टर मेरी जेब में है, तेरे पास क्या है? मैं इसके पास अच्छाई है। आपकी नाती जब गुम हो गई थी तब उसे शिवाजी ने ही बचाया था पापा, ये बहुत अच्छे इंसान है। शिवाजी भगवान से कम नहीं है, अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते कई लापता बच्चियों को उनके माँ बाप से मिलवाया है इसने। ऐसे लापता बच्चों में मेरी नातिन भी थी। इन बाप बेटी को मिलवाकर मैं इस अच्छे इंसान का कर्जा उतारना चाहता था। फांसी के फंदे पर शिवाजी नहीं, तू चढ़ेगा गायत्री मेहता। टेक हिम इनटू कस्टडी। घेऊन टाक। जेलर साहब, मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने तुम्हें नहीं बचाया है शिवाजी, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बचाया है। पेट अंदर सीना बाहर। समझ ही नहीं आ रहा कौन शिवाजी है और कौन गायत्री। डाउन योर आर्म्स, गो बैक। शिवाजी की हेयर स्टाइल की तरह मेरा हेयर कट कर, ओरिजिनल छे। कैसे बचाऊं बेटी, दोनों एकदम सेम टू सेम है। क्या तुम अपने पापा को आइडेंटिफाई कर सकती हो? जयद्वदभ्रविभ्रमत्रमद्भुजङ्गमस्फुरथगत्थगद्विनिर्गमत्करालफालहव्यवाद्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्ग तुङ्गमङ्गला प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव
ओम नमः शिवाय। अंकल यही मेरे पापा है, वो गायत्री मेहता है, शूट हिम। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा विडंबि कंठ कंधरा रुचि प्रबंध कंधरम स्वरक्षितं पुरक्षितं भवक्षितं मखक्षितं गजच्चिकांध कच्चिदं तमंत कच्चिदं भजे। बेटा आने के वाय रक्तनो बंधन। यहाँ क्या हुआ श्यामलाल? नहीं समझ लो साहब, आखिरी इच्छा पूरी करने शिवाजी जेल आया था, उसे फंसाकर भगाने की कोशिश करने वाला गायत्री मेहता पुलिस के हाथों मारा गया। तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। थैंक यू साहब, ज्योति प्रमोशन हो गया है, तुम्हारा स्मार्टफोन पक्का, वीडियो कॉलिंग करेंगे।